नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से आज मुकाबला खेला, भाई साहब, 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम इज बैक। इनका नेट रन रेट जो है वो +1 में आ चुका है, यानी नेट रन रेट काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। 309 रन की बड़ी जीत हासिल की है। डेविड वार्नर के बल्ले से सेंचुरी आई है। मैक्सवेल ने जो किया आज बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। और इनके सारे गेंदबाजों ने विकेट्स निकाले हैं, आपस में बांट लिए हैं, बहती गंगा में इन लोगों ने हाथ धोया है आज। तो ऐसे में सवाल अब मोस्टली यही हो रहा है, क्या पाकिस्तान के पास अभी भी चांसेस है? भाई बहुत 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 ज्यादा मुश्किल लग रहा है। उसके लिए आपको 4 मुकाबले जीतने पड़ेंगे और वो भी बहुत अच्छे नेट रन रेट से जीतने पड़ेंगे, आपको बेहतर करना पड़ेगा। अभी समय पाकिस्तान का माइनस में है नेट रन रेट, ठीक है, और आखिर में नेट रन रेट पे ही मसला आ जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो बाकी मुकाबला है ना, उसमें छोटी टीम्स के अगेंस्ट भी है, लेकिन पाकिस्तान का भी छोटी टीम के अगेंस्ट बोलना बड़ा गुनाह हो जाएगा, क्योंकि कमतर अगर देखेंगे तो उसमें एक बांग्लादेश की टीम के अगेंस्ट खेलना है, लेकिन 3 टीमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट इनको खेलना है। पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इनके अगेंस्ट बहुत अच्छे नेट रन रेट से जीतना और जो पाकिस्तान का इस समय हाल है क्रिकेटिंग का, वो बड़ा मुश्किल है यार। ये हवा वाली बातें हो जाएगी कि नहीं, पाकिस्तान की टीम जो है कर देगी, मिराकल करने में माहिर है, हमने देखा है, रूल्ड आउट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखो कि ट्रेविस हेड लौट चुका है प्लेइंग 11 में, वो आज नहीं खेला था, आराम दिया कि चलो नीदरलैंड के साथ मुकाबला, इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन जब ट्रेविस हेड वापस आ गया है, जब प्लेइंग 11 में वो आएगा, बड़ी टीम के अगेंस्ट जब वो खेलेगा, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम और भी ज्यादा मजबूत होती जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लेन मैक्सवेल इनके आज फिनिशर के तौर पे वो फॉर्म में लौट आए हैं, उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे, वो आज के मैच में आया है और जिस तरीके से उन्होंने रन्स किए हैं, आज उन्होंने वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी उन्होंने बनाई हुई है। 46.2 ओवर में उस बंदे ने अपना 50 पूरा किया और 48.3 ओवर्स में उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। तो कितना फास्टेस्ट ग्लेन मैक्सवेल ने मारा है, आप समझ सकते हैं। दिल्ली के छोटे ग्राउंड में बहुत रन पड़े हैं आज, मतलब कि क्या ही बताएं। तो ऐसे में मैं एज एन इंडियन फैन के तौर पे यार, मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया टीम आए। दे आर 5-time वर्ल्ड चैंपियन टीम, उनको पता है कि नॉकआउट मुकाबले कैसे जीते जाते हैं, उनको पता है कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी कैसे जीते जाते हैं। तो आई एम सॉरी टू से, बाकी टीमों के लिए अलार्मिंग जैसा है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फॉर्म में आने का वो आ गया है। पाकिस्तान का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि बेंगलोर से उन्होंने मुकाबला जीता, बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला जीता, और नेदरलैंड को 309 रन से हराना, इसका मतलब है कि आपने लगभग में 400 रन मतलब ऑलरेडी पाकिस्तान को कवर अप करने के लिए जीतना पड़ेगा। कोई 400 कोई 500 रन से आगे है, न्यूजीलैंड 500 रन से आगे है। तो ऐसे में नेट रन रेट जीतना सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, बल्कि उनको अपने नेट रन रेट में भी काफी ज्यादा सुधार की जरूरत पड़ेगी, हर हाल में पड़ेगी। तो बाबर आजम एंड टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट नामुमकिन जैसा कोई चीज नहीं होता है क्रिकेट में, कुछ भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भी हार सकता है, है ना। ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, नहीं हो चुका है अगर मैं गलत नहीं, तो जो भी हो, ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड के साथ मैच है, न्यूजीलैंड के साथ मैच है, वहां पर अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी की उम्मीद जगेगी, लेकिन कैलकुलेटर आपके पास होगा और बाकी टीम्स के रिजल्ट्स पे आप उनकी तरफ देख रहे होंगे कि भाई वो हार जाए तो हम पहुंच जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, पाकिस्तान टीम मिराकल करने के लिए जानी जाती है। 92 में भी मिराकल हुआ था और 2022 के T20 विश्व कप में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बट होपफुली कि अच्छी क्रिकेट खेले। और इस समय पाकिस्तान के फैंस का, टीम का हौसला काफी ज्यादा टूटा हुआ है, लेकिन वो कैसे आ सकता है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप साउथ अफ्रीका को हराएं, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक गेम को जो है आप ले सकते हो। होप सो कि सब कुछ बढ़िया हो। इस वीडियो में बस इतना ही, ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो आज फाड़ के रख दिया। धन्यवाद।